अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज आपको वीडियो में नज़र आ ही रहा होगा, बड़ा ही मज़ेदार सा मीठा मैं बनाने वाली हूँ इस वीडियो में। आज हम बना रहे हैं पुडिंग, बटर स्कॉच पुडिंग। और बटर स्कॉच तो आपको पता है कि कितनी ही मज़ेदार, जिस चीज़ पे भी डल जाए कैरामल और बटर स्कॉच तो वो अपने आप ही बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन जाती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्रीम ली है, क्रीम मैंने तकरीबन 1.5 कप क्रीम ली है। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। बटर स्कॉच सॉस हम ऊपर और नीचे डालेंगे, तो क्रीम में शुगर को इतना ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी शुगर ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है वनीला एसेंस। वैसे तो बटर स्कॉच एसेंस जाता है, बट वो मुझे मिला नहीं, तो वनीला एसेंस ऐड किया है। इसका भी बहुत मज़ेदार टेस्ट था। तो इसको जो है अच्छे तरीके से मैंने बीट कर लिया है आपके सामने। क्रीम अच्छे तरीके से चिल थी, इसलिए जो है क्रीम बड़े अच्छे तरीके से स्टिफ हो गई। तो क्रीम को मैंने स्टिफ करने के बाद उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब मैं बना रही हूँ शुगर। मैंने 1/2 कप शुगर लिया, उसके अंदर इसको अच्छे तरीके से एक बड़ा खूबसूरत सा कलर देंगे, जैसे एम्बर सा कलर जो आ जाता है ब्राउन कलर, वो मैंने दिया है। इसको कैरामल हो गई है शुगर, एंड देन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलमंड्स एंड जो है अखरोट, मींस बादाम और अखरोट। ये बिल्कुल वैसे जैसे वो मूंगफली की बनती है। बादाम और अखरोट मैंने इसके अंदर डाल के ये अब रेडी है। इसको मैं रख दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए, ठंडी होकर ये सख्त हो जाती है, देन मैं इसको हाथ से कूट लूँगी। उसके बाद अब मैं तैयार कर रही हूँ सॉस। अब हम सॉस की तरफ आ गए हैं, जो कैरेमल बटर स्कॉच सॉस होती है जो, उसके लिए शुगर मैंने 1/2 कप ली है। उसको मैंने अच्छा सा प्यारा सा ब्राउन सा कलर दे दिया है, कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इसका। मैंने इसके अंदर फिर मक्खन ऐड किया है, और तकरीबन 50 ग्राम ये मक्खन है। इसमें ऐड करने के बाद चूल्हा नीचे चल रहा है और वो मीडियम फ्लेम पर है चूल्हा। और अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी, 1/2 कप इसके अंदर क्रीम जाएगी। 1/2 कप ही शुगर है, एंड 1/2 कप ही क्रीम है। थोड़े से लम्स जो बन गए हैं, ये गर्म होगा देन ये लम्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बटर स्कॉच की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफाइन रेसिपी जिसको कहते हैं ना, ये वो है। टेस्ट बहुत अच्छा था इसका। इसको तकरीबन 2 to 3 मिनट्स आप कुक करें क्रीम को ऐड करने के बाद। जब सारा डिज़ोल्व हो जाए अच्छे तरीके से, तो फिर उसको चूल्हे से अलग कर लें। वो जो बादाम और अखरोट मैंने चीनी में डाले थे, वो वहाँ प्लेट में है, वो अभी ठंडे हो रहे हैं। मैंने ब्रेड ले लिया है, ब्रेड के तकरीबन 4 पीसेस लिए थे, तो 3.5 पीसेस के अंदर गए हैं। ब्रेड को अच्छे तरीके से बटर स्कॉच सॉस के अंदर ऊपर नीचे से कोट कर लें। कोट करने के बाद इसको ऐड करेंगे। एक लेयर हो गई है ब्रेड की। आप वाइट ब्रेड ले लें, ब्राउन ब्रेड ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसके अंदर अब मैं ऊपर नीचे सॉस लगा रही हूँ। नीचे भी सॉस लगाएं, ऊपर भी लगाएं, या आप इसको कोट कर लें, या वो जैसे आपका दिल करता है वैसे आप लगा लें। और उसके बाद क्रीम है, क्रीम मैंने ऐड की है ऊपर, सारी क्रीम की लेयर आ जाएगी। क्रीम की लेयर आने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वो जो हमने बनाई है बादाम और अखरोट की। उसको सबसे पहले आप कूट लें, किसी कपड़े में डाल के या किसी शॉपर में डाल के पहले आप उसको कूट लें, और उसके बाद आप इसको चॉपर में चॉप कर लें। बिल्कुल बारीक फाइन सा हो जाएगा। थोड़े से मैंने बचा ली हैं, मोटे मोटे से रख ली हैं, और थोड़े से मैंने जो है बाकी जो आधे से ज़्यादा थे उसको मैंने फाइन चॉप कर लिया। फाइन चॉप करने के बाद आप क्रीम के नीचे इसकी, ब्रेड के ऊपर इसकी भी थोड़ी सी एक लेयर दे सकते हैं। मैंने नीचे लेयर नहीं दी, आपका दिल करे तो आप नीचे लेयर दे दें, बाकी का मैं ऊपर सारा लेयर देकर। और ये क्रंची क्रिस्पी जब मुंह के अंदर आते हैं नरम सी क्रीम के साथ, तो ये इतना खूबसूरत मींस टेक्सचर बनता है मुंह के अंदर, और ऐसे घुल जाता है जाके, बहुत मज़े का बनता है। तो ज़रूर मेरी ये रेसिपी को आप ट्राई करें, हमसे अच्छी लगी होगी आपको। और ये वाकई ही बहुत मज़ेदार जो पुडिंग बनी थी, कमाल पुडिंग बनी थी, और ये बड़ी जल्दी फटाफट बनने वाली पुडिंग है। आप ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।